जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आगामी 7 दिन तक रोजाना रुद्र अभिषेक, रोजाना श्री दुर्गा सप्तशती का हवन और रोजाना नव ग्रह शांति आम भक्तों के लिए यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। क्योंकि हम बहुत से मनुष्यों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें कोई उचित व्यक्ति नहीं मिलता है जिसके माध्यम से हम विधि विधान से रुद्र अभिषेक करा सकें, विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का हवन करवा सकें या नवग्रह शांति करा सकें। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से देव राधा ट्रस्ट के बुधनी स्थित आश्रम में रोजाना जिन जिन को नव ग्रह में ज्यादा समस्या है, यानी ग्रहों का दोष ज्यादा है, पिछले जन्म का पाप कर्म है, चाहे वो स्त्री ऋण हो, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे वो गुरु का ऋण हो, या फिर कह सकते हैं हम किसी का श्राप लगा हो, किसी की हाय बद्दुआ लगी हो, पिछले जन्म में किसी का पैसा खा के आ गए हो, या कोई जादू टोने वाला व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया हो। कई कई बार हम पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगते हैं, चाहे वो ऋण के रूप में हो, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो अस्वस्थता के रूप में हो, कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। तो एक तो आपके पास समय नहीं होता है इनको दूर करने के लिए, और आपके यहाँ स्थान अवेलेबल नहीं होता है कि इतना बड़ा दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कर सके, 3 घंटे सामान की व्यवस्था नहीं हो पाती है, रोजाना नव ग्रह की शांति नहीं कर सकते, क्योंकि नव ग्रह की शांति का मतलब हो गया 1000 आहुति कम से कम नव ग्रह को देना पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बुधनी आश्रम पर यह कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो जिन जिन की पत्रिका में ग्रहों का दोष हो, या फिर पूर्व जन्म के श्राप हो, या फिर कह लीजिए मालूम नहीं है परंतु हमारे घर में दुख हो, दरिद्रता हो, परेशानी हो, क्लेश हो, अशांति हो, या फिर कई बार कुल देवी की अकृपा रहती है, कुल देवी का श्राप रहता है, स्त्री का श्राप रहता है, सती का श्राप रहता है, बच्चों का श्राप रहता है, इस वजह से मनुष्य को तकलीफें प्राप्त होती है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए ही यह कार्यक्रम रखा गया है। 2 घंटे तक रुद्र अभिषेक प्रतिदिन होता है, 3 घंटे रोजाना दुर्गा सप्तशती का हवन होता है, और रोजाना कम से कम 2 से 2.5 घंटे नवग्रह शांति का हवन करने में लगते हैं। तो जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने परिवार में जो दोष हैं उन दोषों को कम करने के लिए, इस हवन में जिसको शामिल होना हो इस कार्यक्रम में, वो संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनके माध्यम से। प्रत्येक कार्य करने की कुछ उचित निर्धारित शुल्क रखा गया है, वो आप पे करके, चाहे तो 1 दिन, चाहे तो 5 दिन, चाहे तो 7 दिन, आप अपनी इच्छा के अनुसार यह कार्यक्रम संपन्न करवा सकते हैं बुधनी आश्रम में। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी संकल्प दिया जा सकता है, फोन के माध्यम से संकल्प दिया जा सकता है, यदि नहीं आ सकते हो तो।
और यदि आ जाते हैं तो अपने हाथों से रुद्राभिषेक करें, अपने हाथों से दुर्गा सप्तशती का हवन करें और अपने हाथों से नवग्रह शांति का यज्ञ संपन्न करें और अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुखी रख सकते हैं। क्योंकि आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्यों के पास में धर्म कर्म करने का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन पैसे कमाना होते हैं और पैसे कमा करके हॉस्पिटलों में देना होता है, क्योंकि व्यक्ति घर में बीमार पड़ा रहता है। यदि किसी के परिवार में रोजाना या हमेशा कोई न कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा रहता हो, एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, दूसरा व्यक्ति ठीक होता है, तीसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, आए दिन कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, दवाई चलती ही रहती है, घर में क्लेश बना रहता हो, तो आप नवग्रह की शांति, दुर्गा सप्तशती का हवन और रुद्र अभिषेक करा के अपने आप को सुखी रख सकते हैं। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आप लोगों को सुखी, समृद्ध और निरोगी देखना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए लगातार 7 दिन तक यह कार्यक्रम रखा जा रहा है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार धन राशि, दान राशि देकर के, फोन के माध्यम से संकल्प देकर के आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देवराधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर संपर्क करें, 9893128047, 7649862712 और 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। हम आप सभी को सूचित करते हैं कि कृपया फोन नहीं लगाएं, आपको सभी जानकारी जो आपको चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दी जा सकती है। जय माता दी, जय माँ का मक्खिया, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप चाहते हैं महामृत्युंजय के जप कराना हो, किसी को मार्केश की दशा चल रही हो तो उस दशा में महामृत्युंजय का जप अवश्य कराना चाहिए और शिव जी का रोजाना रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। इससे वो मार्केश की दशा में जो एक्सीडेंट होने वाला हो, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होने वाला है, उससे काफी कुछ हद तक आप बच सकते हैं। जो घटना बड़ी रूप में घटना है उसको हम छोटे रूप में पूजा पाठ के माध्यम से, आराधना के माध्यम से कम की जा सकती है, क्योंकि जितने भी रोग आते हैं वह सब हमारे पिछले जन्म के ज्ञात अज्ञात पाप कर्मों का फल होता है। कई बार हमसे जीव जंतु मर जाते हैं, बहुत से प्राणी मर जाते हैं, बहुत से जानवर मर जाते हैं, पक्षियों के अंडे फूट जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें रोग और शोक प्राप्त होता है। जय माता दी, जय माँ का मक्खिया। क्योंकि आप अब समझ गए होंगे कि कष्ट जो हमें प्राप्त होता है वह सब हमारे पाप कर्मों का फल प्राप्त होता है। हम किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी का पैसा खा करके आ जाते हैं, निर्वंशी की जमीन खरीद लेते हैं, किसी को हम वचन देते वचन को पूरा नहीं करते हैं, हम बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं, या हमने कोई मानता की मानता पूरी नहीं की हो, तो इस प्रकार का से जो दुख प्राप्त होता है उस दुख को कम किया जा सकता है। जय माता दी।